शिया उलेमा असेंबली इंडिया की जानिब से शिया मुस्लिम उलेमा की एक महत्वपूर्ण समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित करते हुए एक पत्र लिखा है। पत्र में भारत में मुस्लिम समुदाय के साथ हो रहे अन्याय और अत्याचारों पर गहरी चिंता व्यक्त की गई है। इसमें मुसलमानों की धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई है और यह मांग की गई है कि सरकार इन मुद्दों पर गंभीरता से ध्यान दे। लेख में कहा गया है कि भारत में मुसलमानों के साथ लगातार हो रहे भेदभाव, हिंसा और धार्मिक स्वतंत्रता पर हो रहे हमलों ने देश की छवि को धूमिल किया है। पत्र में मुस्लिम समुदाय के लिए न्याय और समानता की मांग की गई है। इसमें उल्लेख है कि किस प्रकार मुस्लिमों को समाज में उनके हक से वंचित रखा जा रहा है और उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से पीछे धकेला जा रहा है। इस पत्र के अनुसार यह मामला सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रहा है, बल्कि अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी इसकी चर्चा हो रही है। अमेरिका, कनाडा और तमाम अन्य देशों में भारत की आलोचना बढ़ रही है, खासकर मानवाधिकारों के उल्लंघन के मुद्दे पर। यहां तक कि भारत के करीबी सहयोगी ईरान ने भी इस विषय पर गंभीरता से अपनी चिंता व्यक्त की है। पत्र में उल्लेख किया गया है कि कैसे भारत की ऐतिहासिक पहचान और सम्मान आज खतरे में है। लेख में विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया गया है कि किस प्रकार धार्मिक स्वतंत्रता का दमन किया जा रहा है। इसमें धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करने की अपील की गई है। पत्र के अनुसार मुसलमानों की धार्मिक परंपराओं और मान्यताओं को दबाने के प्रयास किए जा रहे हैं और यह एक बड़ी समस्या बन गई है। इस पत्र के माध्यम से उलेमा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह अनुरोध किया कि वह देश में मुसलमानों के प्रति हो रहे भेदभाव और अन्याय पर ध्यान दें और देश में न्याय और समानता की परंपरा को फिर से स्थापित करें। उलेमा ने इस बात पर भी जोर दिया कि यह समय है कि सरकार अपने संवैधानिक कर्तव्यों का पालन करे और देश की एकता और अखंडता को बनाए रखे। इस पत्र को कई शिया मुस्लिम उलेमा ने हस्ताक्षरित किया है, जिसमें मौलाना सैयद मोहम्मद अस्करी, मौलाना सैयद सफी हैदर साहब, मौलाना गुलाम रसूल नूरी साहब, मौलाना सैयद शौकत अब्बास साहब, मौलाना मुमताज़ अली साहब, मौलाना सैयद मंजर सादिक साहब, मौलाना सैयद मोहसिन तकवी साहब, मौलाना सैयद जवाद हैदर साहब, मौलाना सैयद मुख्तार हुसैन जाफरी साहब, मौलाना सैयद सफदर हुसैन जैदी साहब, मौलाना गुलाम हुसैन मट्टू साहब, मौलाना सैयद हैदर अब्बास रिजवी साहब, मौलाना मोहम्मद हुसैन लुत्फी साहब, मौलाना सैयद कमर हसनैन साहब, मौलाना सैयद हाफिज दिलावर हुसैन साहब, मौलाना अख्तर अब्बास झुन साहब, मौलाना सैयद नमदार अब्बास साहब, मौलाना गुलाम मोहम्मद मेहंदी खान साहब, मौलाना सैयद तकी रजा साहब, मौलाना सैयद मोहम्मद फयाज बाकिर हुसैनी साहब, मौलाना सैयद गुलाम हुसैन रिजवी साहब, मौलाना सैयद कुरतुल इन मुश्तबा साहब, मौलाना आरिफ आजमी साहब, मौलाना सैयद आदिल मंजूर साहब, मौलाना सैयद पैगंबर अब्बास साहब ने इस पर हस्ताक्षर किया, इस पर अपने सिग्नेचर किए। यह पत्र भारत सरकार के सामने गंभीर सवाल खड़ा करता है और देश के भविष्य को लेकर चिंताएं प्रकट करता है। इसमें कहा गया है कि देश की धर्म निरपेक्ष पहचान को बनाए रखना जरूरी है ताकि सभी नागरिकों को समान अधिकार और स्वतंत्रता मिल सके। इस पत्र में प्रधानमंत्री से आग्रह किया गया है कि वह इस मुद्दे पर त्वरित कार्रवाई करें ताकि भारत की धार्मिक और सामाजिक एकता बनी रहे।